और अब बात करते हैं कुशीनगर के, जहां पर के गांव को प्रभावित करने वाली नायणी नदी एक बार फिर उफान पर आकर तबाही मचाना शुरू कर दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए टीपू सुल्तान हमारे संवाददाता कुशीनगर से लाइव जुड़ चुके हैं। टीपू सुल्तान, नदी के कटान से दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, हजारों लोगों का आशियाना उजड़ गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी सर मुशरफ जी, आपको बता दें कि जनपद कुशीनगर के थाना बरवा पट्टी के अंतर्गत नायणी नदी है, जो बहुत तेजी से कटान चल रहा है, क्योंकि एक नंबर जो ठोकर है वो कट चुका है और दूसरे नंबर पे भी कटान चालू है। आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ग्रामीण है उनका आरोप है कि बाढ़ खंड विभाग जो है इनकी बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि अगर पहले से ये किए होते इंतजाम तो ऐसे नहीं कटा होता। जब मीडिया इसकी संज्ञान ली है तो जिला प्रशासन और बाढ़ खंड विभाग संज्ञान में अपना लिया है और अफरा तफरी में आकर के काम शुरू किया है। सुल्तान, जिला प्रशासन ने बाढ़ से बचने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं, इस पर क्या कहेंगे? जी आपको बता दूं सर कि जिला प्रशासन बाढ़ से बचने के लिए अभी तक कोई भी उपाय नहीं किया है यहाँ पे। सुल्तान, कहीं ना कहीं जिला प्रशासनिक अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, कब जागेगी योगी सरकार, इस पर क्या कहेंगे आप? जी सर आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़े बड़े दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जाना जाए तो खोखला साबित नजर आ रहा है। सुल्तान, वहीं जानकारी मिली है कि कांग्रेस पार्टी के कोई कार्यकर्ता भी थे जो धरना प्रदर्शन पर भी बैठे थे इस मुद्दे को लेकर, इस पर क्या कहेंगे? जी सर आपको बता दूं कि विधानसभा तमकुई के विधायक अजय कुमार लल्लू जी धरने पर बैठे हैं, जब बैठे उसके बाद से अधिकारी अपना आनन फानन में काम शुरू किया और उन्होंने बताया कि बांध को हम कटने नहीं देंगे। शुक्रिया सुल्तान तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जिस घर में बेटियां होंगी उस घर में खुशहाली होगी, ये तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई परिवार इतना मजबूर हो सकता है कि उसे अपनी फूल जैसी दो नाजुक बेटियों को जंजीरों से बांध कर रखना पड़े तो कैसा लगेगा? ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, वो सच जो ना सिर्फ एक मजबूर परिवार के दर्द की दास्तां सुनाता है बल्कि उन दो बेटियों के बारे में चीख चीख कर बताता है, पंख होते तो उड़ आती मैं। और इस खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ रिजवान अंसारी बुलंदशहर से लाइव जुड़ चुके हैं। रिजवान, जहां एक ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आप को गरीबों की सरकार बताते हैं, वहीं ऐसी तस्वीरें सामने आना सवालिया निशान नहीं खड़े कर रही है सरकार पर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये मामला दिल्ली सटे उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव का है, जहां दो जवान बच्चियां हैं जो मन बुद्धि है, उसके बावजूद उनके माता पिता उन्हें जंजीरों में कैद करके रखते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान को खड़ा करती है, मगर किस तरह से उनको मदद की जाए अभी कोई मदद नहीं की जा रही है, और माता पिता उन्हें रस्सियों में कैद करके रखते हैं, जंजीरों में कैद करके रखते हैं। हालांकि जब ये खबर मीडिया में आई है तब एडिशनल एसपी बुलंदशहर, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और पुलिस के आला अधिकारी इस खबर के बाद मौके पर नफीस खां के घर पहुंचे हैं। रिजवान, वहीं अगर आपने लड़कियों के पिता से अगर बात की हो तो वो क्या कुछ कहते नजर आए हैं अपनी बेटियों को लेकर? देखिए वो बहुत परेशान हैं। उनका कहना ये है कि बच्चियां भविष्य होती हैं, बच्चियां आईना होती हैं, बच्चियां आबरू होती हैं, बच्चियां इज्जत होती हैं, बच्चियों में अगर पंख लगे तो वो उड़ जाए और बच्चियों से पहचान होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान इस बात को लेकर हैं कि उनकी दो जवान बेटी, एक 22 साल की है, एक 18 साल की है, जवान होते हुए भी उन्हें वो जंजीरों में कैद करके रखते हैं, इसलिए कि वो मंद बुद्धि हैं, वो कहीं कोई ऐसी वारदात ना कर दें, कहीं कोई ऐसा मामला ना हो जाए जिससे कोई बड़ा बवाल बन जाए। उन्होंने पुलिस व प्रशासनिक और डॉक्टरों को भी इस घटनाक्रम से अवगत कराया है। हालांकि अब पुलिस प्रशासन इस मामले में सतर्कता बरत रहा है और मौके पर पुलिस और प्रशासनिक के अधिकारियों ने पहुंचकर उन दोनों लड़कियों को सरकारी अस्पताल में जहां भर्ती कराया है वहां उपचार उनका चल रहा है, वहीं अब उन बच्चियों को आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में भी जांच के लिए भेजा जा रहा है। जी शुक्रिया रिजवान तमाम जानकारी साझा करने के लिए। भिवंडी शहर बना प्रदूषण का शहर। भिवंडी शहर में कपड़ा और मोती के कारखाने बहुत ज़्यादा हैं, जहां पर भारी मात्रा में प्रदूषण निकलता है, जिसके चलते लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। और ज़्यादा जानकारी के लिए भिवंडी से मुस्तकीम हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। मुस्तकीम, फैक्ट्रियों से जो प्रदूषण निकल रहा है, इससे कहीं ना कहीं लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप?
देखा जाए तो भिवंडी शहर में पूरे शहर के अंदर ऐसी कई जगहों पर डाइंग, साइजिंग और मोती कारखाने हैं, और ये जो इसका प्रदूषण निकलता है ये लोगों के घरों में जाता है और ये रहवासी इलाकों में ये डाइंग और साइजिंग है। अब सवाल यही है कि आखिर क्यों लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी मुस्तकिम, क्या प्रदूषण विभाग के अधिकारियों से अगर आपकी बात हुई हो तो वो क्या कुछ कहते नजर आया है इस पूरे मामले को लेकर? मुसर्रफ जी, सबसे पहले मैं बता दूं, प्रदूषण विभाग के जो अधिकारी हैं वो कभी कार्रवाई दिखाते हैं जब सुर्खियों में खबर आती है मीडिया के जरिए, तो अपनी कहीं ना कहीं एक छोटी कार्रवाई दिखाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्या इन पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं? क्यों आखिर बार बार नाकामी इनकी दिखाई दे रही है जनता के सामने? मुस्तकिम, अगर आपने वही आम आदमियों से बात की हो तो वो क्या कुछ कहते नजर आए हैं प्रदूषण के बारे में? जी बिल्कुल, जनता का जो मामला है तो जनता तो कई बीमारियों से परेशान हो जाती है, जैसे टीवी, दमा और चर्म रोग जैसे बीमारियों से जनता जूझ रही है क्योंकि रहवासी इलाकों के अंदर ये प्रदूषण निकल रहा है। अब सवाल ये है कि जनता किसके सामने गिड़गिड़ाए? मीडिया जब जनता से सवाल करती है, पूछती है, तो जनता कहती है कि आखिर हम किसके सामने इस फरियाद को लेके जाएं? लेकिन सवाल ये होता है कि जब प्रदूषण विभाग को ये सारी जानकारी है तो प्रदूषण विभाग इस पर कड़ा कदम क्यों नहीं उठाता? इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था दिल्ली के अंदर प्रदूषण को लेकर के बड़ी बात कही थी, लेकिन महाराष्ट्र के ये भिवंडी शहर जो है प्रदूषण का शहर बन चुका है, ये पूरे शहर पे प्रदूषण का पूरा घना कोहरा के जैसे छा चुका है। कभी रात के अंधेरे में एकदम पूरा घना कोहरा के जैसा ये शहर बन जाता है। शुक्रिया मुस्तकिम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।